नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है रूल्स ऑफ बुलियन अलजबरा। इससे पहले हमने लॉज ऑफ बुलियन अलजबरा पढ़े थे, जिसमें हमारे पास कॉमुटेटिव लॉ था, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अभी हमारे पास कुछ रूल्स हैं बुलियन अलजबरा के लिए। वो रूल्स कितने हैं? वो 12 रूल्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसको आप फार्मूलाज भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, ए बी सी, ये तमाम वेरिएबल्स काउंट होंगे, ठीक है, वेरिएबल कहलाएंगे। और जो वैल्यूज़ हैं 0 1, वो लिटरल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो पहला रूल है वो ये है कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो प्लस का सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? और गेट को, या और ऑपरेशन को, या और गेट के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें हम बूलियन एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बूलियन एडिशन। और ये कौन सी टर्म बनती है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी टर्म बनती है, सम टर्म या प्रोडक्ट टर्म? सम टर्म सम टर्म बनती है, ठीक है। इसी तरह डॉट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये जो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको हम कहते एंड हैं ऑपरेटर सर। एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये कौन सी टर्म है, प्रोडक्ट टर्म प्रोडक्ट टर्म है, ये वाली इधर ए डॉट 0 या ए डॉट 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन एक्सप्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स आपको प्रोडक्ट में मिलेंगी और कुछ टर्म आपको सम में मिलेंगी, ठीक है। तो हम इन रूल्स को वेरीफाई करते हैं। इन रूल्स का मकसद आप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। इन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप उसको बूलियन एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, या उसको अवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद इन रूल्स को यूटिलाइज करना है अपने बूलियन एक्सप्रेशन के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास रूल है ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे बूलियन एडिशन परफॉर्म हो रही है, और बूलियन एडिशन में किसको ऐड किया जा रहा है, 0 को, किसमें, किसी वेरिएबल के साथ, यानी एक वेरिएबल ए है उसके साथ 0 ऐड किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर में कोई चेंज ना आए, जो पहला रूल है उसके मुताबिक वो ए के इक्वल है। अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, तो वो इस तरह से है कि अगर किसी नंबर के साथ 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या उस नंबर में चेंज आता है? नो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जिससे उसमें कोई चेंज ना आए। तो इसी तरह से 0 आपका जो उस रूल के मुताबिक, एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक, अगर हम बूलियन वेरिएबल के साथ ऐड करें तो बूलियन वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। वो कैसे? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हमने बात ये की थी कि वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। अगर आपके पास ये ए 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है? जीरो जीरो और ए की वैल्यू अगर 1 है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा? वन 1 होगा ना। तो इसका मतलब ए के ऊपर डिपेंड करता है इसका आंसर। अगर ए 0 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर, जीरो ए 1 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो उसी का आंसर होगा, ठीक है। यानी ए एक वेरिएबल है, उसमें अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो कोई चेंज नहीं है। नहीं आएगा। तो ये पहला रूल है हमारे पास। पहले रूल को देखें, हमारे पास पहले रूल में और ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे डायग्राम में और गेट को शो किया है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, या तो आप ए को 0 कंसीडर करें, ए को आप 0 कंसीडर करें, तो दूसरा आपके पास जो इनपुट है वो क्या है, वो भी 0 है। तो 0 प्लस 0 मीन्स के 0 और 0 को आप और गेट में पास आउट करें और आंसर आपका 0 आएगा। इसी तरह ए की वैल्यू अगर 1 कंसीडर करते हैं, तो आप ए की जगह 1 लिख दें, क्योंकि पहला इनपुट आपके पास ए है और दूसरा इनपुट आपके पास 0 है। तो 0 कांस्टेंट है,
लिटरल है वो सेम रहेगा और ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, जीरो होगी या वन होगी। तो इस बिहाफ पर और गेट से या और ऑपरेशन से आंसर क्या आएगा, वन। डिपेंड करता है किस पर, ए पर। क्लियर है जी यहाँ पे? जी सर। जी सर। सेकंड रूल को देखें, अगर आप ए प्लस वन करते हैं तो आंसर वन आएगा, ए प्लस वन करते हैं तो आंसर वन आएगा। कैसे, अभी हम वेरीफाई करते हैं। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है। और अगर ए की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन क्या होता है, वन प्लस वन। यहाँ पे वन ही होगा क्योंकि और ऑपरेशन है, बुलियन एडिशन आप अप्लाई कर रहे हैं ना कि बाइनरी एडिशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी एडिशन है, बुलियन एडिशन। यानी दोनों के लिए और ऑपरेशन में दोनों में से कोई एक वन होना चाहिए। अगर ये भी वन हो जाता है, ये भी वन होता है तो आंसर तब भी वन। अगर ये जीरो होता है, कम से कम एक वन तो मिल जाता है ना उसे, तब आंसर वन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ए प्लस वन इज इक्वल टू वन के इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर जी सर। उसको देखें, रूल को, रूल नंबर टू को देखें। अगर दोनों ही वन है, मतलब एक ही जगह वन आप लिख दें तो आंसर आपका तब भी वन। अगर एक ही जगह जीरो लिखते हैं और दूसरा आपके पास वन है इनपुट, तो आपके पास आउटपुट वन जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल ए है, बी है, सी है, कोई भी बुलियन वेरिएबल है, उसमें वन ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, वन। यानी हम कह सकते हैं कि बी प्लस वन इज इक्वल टू वन, सी प्लस वन इज इक्वल टू वन, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन होगा। यानी जितने मर्जी वेरिएबल हो उनके दरमियान में और ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करते हैं और वन ऐड करते हैं उसमें, और ऑपरेशन में वन ऐड करते हैं तो आंसर वन होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। थर्ड वन देखें, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे एंड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। एंड ऑपरेशन में आपका आउटपुट कब वन आता है, जब आपके दोनों इनपुट वन। ठीक है, ऐसे ही है ना, जब दोनों इनपुट वन होंगे, अदरवाइज एक भी जीरो उसको मिलता है इनपुट में तो उसका आंसर जीरो जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखें, अब अगर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो डॉट जीरो तब भी आंसर जीरो, अगर ए की वैल्यू वन है तो वन डॉट जीरो तब भी जीरो, ऐसे ही है। तो इसको देख लें, रूल नंबर थ्री को देखें, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी जीरो डॉट प्रोडक्ट में जिसके साथ भी होगा उसका आंसर जीरो होगा। तो वन और जीरो एंड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ना, एंड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो एंड ऑपरेशन में इसका आंसर जीरो आ रहा है। और दोनों जब इनपुट जीरो होंगे तो आंसर जीरो होगा। तो कोई भी ए की कोई भी वैल्यू हो तो आंसर तो जीरो ही आना है ना, क्योंकि एक कम से कम एक जीरो अवेलेबल है। यानी लो वोल्टेज, कम से कम एक लो वोल्टेज है, तो एंड गेट में जब लो वोल्टेज को पास आउट करते हैं तो आंसर भी लो वोल्टेज आता है। ठीक है, कम से कम एक लो वोल्टेज होगा तो आपका आंसर लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कब होगा, मींस के वन कब जनरेट होगा, जब दोनों इनपुट वन होंगे। ठीक है, रूल नंबर फोर देखें, यानी अब आपने इन रूल्स को याद भी रखना है। रूल नंबर फोर देखें, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि डॉट ऑपरेटर है ए और वन के दरमियान। अगर ए की वैल्यू जीरो आती है, अगर ए की वैल्यू जीरो कंसीडर करें और वन के साथ उसका डॉट ऑपरेशन अप्लाई करें, तो आपके पास कम से कम एक लो वोल्टेज का होगा तो आंसर क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब ए पर डिपेंड कर रहा है आंसर। अगर ए की वैल्यू वन है तो आंसर क्या होगा, वन डॉट वन, वन होगा ना, तो वो ए पर डिपेंड कर रहा है। तो ए की जो भी वैल्यू होगी ए डॉट वन में वही ए कंसीडर होगा।
आउटपुट आपका ए कंसीडर होगा। क्लियर है? ए की वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी। हाँ जीरो होगी तो आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो डॉट वन आंसर जीरो होता है और वन डॉट वन आंसर वन होता है। नहीं क्लियर जी सर? जी सर क्लियर। तो रूल नंबर फोर को हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे गेट में। दे देखें ए की वैल्यू यहाँ तो जीरो है या ए की वैल्यू वन है। जीरो और वन को जब आप एंड गेट से पास आउट करते हैं तो आपके पास आंसर जीरो, क्यों? कम से कम एक लो वोल्टेज है। तो दोनों हाई वोल्टेज हैं, दोनों ही हाई वोल्टेज हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या होगा? हाई वोल्टेज। यानी ये यहाँ पे देखें ए की वैल्यू जीरो तो आंसर जीरो, ए की वैल्यू वन आंसर वन जनरेट हो रहा है, ऐसे ही ना? जी सर। कितने रूल हो गए? चार। पांचवा रूल देखें, पांचवा रूल ये है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। क्या मतलब हुआ? ए को अपने साथ ही ऐड करें तो आंसर भी ए ही जनरेट होगा। टू ए नहीं लिखते हम, क्योंकि ये आपके पास बूलियन अलजबरा है, ठीक है? तो आपके पास अगर ए जीरो है तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है? जीरो होगा। अगर ए आपके पास वन है तो वन प्लस वन क्या होगा? वन। तो इसका मतलब ए ही होगा ना, यानी इटसेल्फ होगा। जी सर। ये क्लियर है ना? इसको शो करने की नीचे मैं शो भी कर सकता हूँ इसको, रूल नंबर फाइव यहाँ पे देखें, ए प्लस ए ठीक है इज इक्वल टू ए। अगर ए जीरो है तो ये भी तो ए है ना, दोनों इनपुट ए है, तो इसका मतलब दोनों जीरो है, आंसर जीरो। दोनों वन है, कम से कम एक वन चाहिए और गेट के लिए, तो आंसर आपके पास वन। यानी ए पर डिपेंड करता है, ए जो भी वैल्यू होगी वही उसका आउटपुट होगा। अगर उसके साथ ए को आप ऐड, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू जीरो है या वन है? भाई आपको पता है पॉसिबिलिटी कितनी है? दो ही है ना, या हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, और कौन सी पॉसिबिलिटी है? जी सर। सर अगर हम एक ही जगह वन और दूसरी एक जगह हम जीरो पुट कर दें कैसे? क्योंकि वो भी ए है वो भी ए है, ये तो नहीं है कि ए प्लस बी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, सेम ही लिखा हुआ है ना, ए प्लस ए। क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है। चलो शुक्र है। अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास रूल है, ए प्लस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन। यानी ए में अगर उसका रिवर्स ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर वन होगा। अगर एक वेरिएबल ए है और उसमें उसका रिवर्स मींस के उसका कंप्लीमेंट ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर वन होगा। अब कैसे इसको अंडरस्टैंड करें? ए की वैल्यू अगर जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? वन। वन। तो जीरो प्लस वन क्या होता है? वन। ए वन। अगर ए की वैल्यू वन है तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा ना, तो वन प्लस जीरो क्या होता है? वन। वन। वन होता है। तो इस तरह से आपके पास छठा रूल भी आपने वेरीफाई कर लिया। इसको मजीद शो करूं या इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप? कर चुके हैं सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ रूल है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखें एक याद रखने का तरीका, यहाँ ए प्लस ए है तब भी आंसर ए, ए डॉट ए तब भी आंसर ए। यानी अगर आप आपके पास ए है सिंपल ए, उसको आपने प्रोडक्ट टर्म में लिखना है तो आप उसको ए डॉट ए लिख सकते हैं। अगर आपने उसको सम टर्म में लिखना है ए को, तो आप सिंपल ए प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है?
जी सर। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू अगर जीरो कंसीडर करें तो जीरो डॉट जीरो क्या होता है? जीरो। जीरो होगा। और अगर ए की वैल्यू वन है तो वन डॉट वन क्या होगा? वन। वन। तो इस वन ए की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा ना? यस सर। जी सर। इसी तरह आठवां रूल है, जिस तरह से छठे रूल में ए प्लस ए कम्प्लीमेंट को ऐड किया, मींस के उस ए में उसका कम्प्लीमेंट ऐड किया जाए तो आंसर वन आता है। तो यहाँ पे ए डॉट ए कम्प्लीमेंट लिखा जाए तो उसका आंसर जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट टर्म में इसका आंसर जीरो होगा। तो आपके पास अगर ए है, आपके पास जीरो है, ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? वन। वन होगा। तो जीरो डॉट वन क्या आंसर? जीरो। और अगर ए आपके पास वन है तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। तो वन डॉट जीरो? जीरो। तो दोनों सूरतों में आंसर जीरो, क्योंकि कम से कम एक जीरो बन जाएगा। अगर जीरो है तो वो वन इस ए वन के साथ प्रोडक्ट होगा, अगर वन है तो वो जीरो के साथ प्रोडक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको वेरीफाई करना yes, है। वेरीफाई करना है तो ये आठवां रूल है हमारे पास, उसकी डायग्राम देख लें। एंड गेट है, डॉट डॉट ऑपरेटर यूज हुआ है तो एंड गेट यूज करेंगे। तो वन डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, दोनों सूरतों में आंसर जीरो आता है, इनपुट कोई भी हो। रूल नंबर एट देखें, एट हो गया। नाइन देखें, अब यहाँ पे ए के ऊपर डबल बार है। डबल बार का मतलब ये है कि डबल कम्प्लीमेंट, पहले एक बार कम्प्लीमेंट लेना है फिर दूसरी बार कम्प्लीमेंट लेना है। अगर आपके पास ए की वैल्यू जीरो है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? वन। वन का अगेन कम्प्लीमेंट क्या होगा? जीरो। 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 तो वो जो ए की वैल्यू थी वही दोबारा नहीं आ गई? यस सर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसका टूज कम्प्लीमेंट ले लें, ऐसे है ना? और अगर नेगेटिव yes, को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है अगेन टूज कम्प्लीमेंट ले लें। मतलब फाइव को माइनस फाइव बनाना है तो आप फाइव का टूज कम्प्लीमेंट ले लें तो वो बन जाएगा माइनस फाइव, और माइनस फाइव का अगेन कम्प्लीमेंट ले लें तो वो बन जाएगा प्लस फाइव। तो ये वही रूल है कि आपके पास अगर एक वेरिएबल ए है और उसका डबल कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो ए के इक्वल ही होगा, ठीक है? तो इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप इस डायग्राम में वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास अगर ए जीरो है तो पहली बार कम्प्लीमेंट उसको क्या करेगा? वन बना देगा, और फिर नॉट गेट पे अप्लाई करते हुए अगेन कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो जीरो होगा। शुरू में उसकी वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी? जीरो, और आंसर में आपके पास जीरो ही जनरेट हुआ डबल कम्प्लीमेंट से, ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर ए इज इक्वल टू ए डबल कम्प्लीमेंट या ए डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर ए की वैल्यू वन है तो पहले कम्प्लीमेंट के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और दूसरे कम्प्लीमेंट के बाद उसकी वैल्यू वन होगी। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पास ए डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के इक्वल है, ठीक है? रूल नंबर टेन, रूल नंबर टेन में देखें, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। हाँ जी, कौन बताएगा? ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए कैसे? सर इसमें ए की वैल्यू हम अगर वन पुट करते हैं तो बी की हम जीरो करेंगे तो ए और बी जो होगा वो जीरो आ जाएगा और ए वन होगा। और नहीं 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 सर, सर इस पे ए या बी के हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर प्लस आ गया है। तो फिर हम अगर ए भी ट्रू होगा तो जब ए के साथ एंड लगेगा तो ए ही आएगा, और अगर ए भी फॉल्स है तब भी वो ए के साथ लगेगा तो डेफिनेटली वो तब भी ए ही आएगा। तो हमारी वैल्यू ए पर डिपेंड करिए, ए बी पर नहीं, ठीक है? अच्छा आप इसमें गौर करें कि इसमें कॉमन है दोनों टर्म्स में। जी सर। यस सर। क्या कॉमन है? ए ए।
अच्छा इस ए को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट वन, इस रूल नंबर फोर के मुताबिक ए डॉट वन। यस सर। आपके पास एक प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे बन जाएगी, एक प्रोडक्ट टर्म ये, दो प्रोडक्ट टर्म हो जाएगी ना इस ए की जगह पे ए डॉट वन लिख सकता हूँ मैं। यस सर। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट टर्म आ जाएगी, तो दोनों में से कॉमन क्या होगा, यहाँ पे ए डॉट वन और यहाँ पे ए ए डॉट बी, दोनों में कॉमन क्या है? सर ए कॉमन होगा। ए कॉमन, ए कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस बी। वन प्लस बी, रूल नंबर टू को देखें, यस सर ठीक हो गए, ए प्लस वन वन के इक्वल है ना, तो उसको वन प्लस ए भी तो लिख सकते हैं हम कॉमोटेटिव लॉ को, यस सर कॉमोटेटिव लॉ को यूज करते हुए वन प्लस ए भी तो लिख सकते हैं ना। यस सर। तो जब आप कॉमोटेटिव लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, वन प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास होगा वन प्लस बी, तो वन प्लस बी जो है वो भी वन के इक्वल, ऐसे है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू वन, तो अगेन आपके पास रूल नंबर फोर, ए के इक्वल आंसर। यस सर। क्लियर हुआ? यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। यस सर। क्लियर है भाई बाकी लोग? जी सर। जी सर। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, रूल नंबर टेन, ये हमारे पास रूल नंबर टेन, तो यहाँ पे देखें उन्होंने भी उसी तरह से किया जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट वन, किस रूल को यूज करते हुए, फोर्थ रूल को यूज करते हुए, प्लस ए बी, ये भी प्रोडक्ट टर्म, ये भी प्रोडक्ट टर्म, और दोनों में कॉमन निकाल लें तो ए कॉमन है, यहाँ पे आपके पास वन प्लस बी बना, तो वन प्लस बी रूल नंबर टू को अप्लाई करते हुए आप इस पूरे की जगह पे वन लिख सकते हैं, तो आपके पास अगेन ए डॉट वन आ गया। रूल नंबर फोर को यूज करें, रूल नंबर फोर को यूज करते हुए आपके पास ये आंसर ए के इक्वल होगा। ठीक है, मजीद वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आपके पास अब यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तीन, दोबारा देखें, दो है सर, दो है ना, ए और बी, ए और बी है ना वेरिएबल इस पूरे एक्सप्रेशन में, टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं ए और बी, जब आपके पास जब आपके पास इनपुट दो वेरिएबल हैं तो फिर आपके कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, टू रेस्ट पावर टू, यस सर, तो वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, फोर, तो ये फोर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ट्रुथ टेबल को देखें, पहले हमारे पास एक ही वेरिएबल था ए, अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, पहले हमारे पास जीरो और वन इनपुट थी, अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल के बिहाफ पर या तो दोनों इनपुट आपके जीरो होंगे या दोनों ही वन होंगे या जीरो वन का कॉम्बिनेशन, तो ये देखें ए और बी की वैल्यू देखें, यहाँ दोनों ही जीरो या जीरो वन या वन जीरो या दोनों वन, ए और बी आ गए, यस सर, अच्छा उनकी इनपुट यानी आपके पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म ए है, एक टर्म ए है और दूसरी टर्म ए बी है, ए बी, ए तो आपके पास अवेलेबल है ना, यस सर, यहाँ से फिर सेकंड टर्म आप निकाल लें, ए बी को निकाल लें, तो ए बी को कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में वन कब आएगा, जब दोनों इनपुट वन होंगे, तो यहाँ पे देखें ये तीनों जीरो, जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, तो ए बी आ गया, और इसमें ए को ऐड कर दें तो आपके पास ये आउटपुट होगा, और अगर आप इसको देखें इसका जो आउटपुट है वो ए के इक्वल है, ठीक है,
तो इसको आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ए के इक्वल ही आपके पास आंसर जनरेट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। और अगर सर्किट फॉर्म में देखना है तो सर्किट फॉर्म में आपके पास एक ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हमने कौन सा गेट यूज करना होता है, एंड गेट, तो ये एंड गेट, एंड गेट, और प्लस के लिए हमने और गेट अप्लाई करना होता है, तो ये और गेट है, ए प्लस ए बी। अब ए बी से जो भी रिजल्ट आएगा, आउटपुट होगा, वो एज एन इनपुट और गेट के लिए यूज होगा। एक ए है और दूसरा ए डॉट बी, ये दो इनपुट और गेट में अप्लाई होंगे, तो उससे जो आंसर आएगा आपके पास वो ए का आंसर आएगा, यानी ए जनरेट होगा, ए की जो वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये दोनों कॉलम इक्वल है। ठीक हो गया जी सर। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, 11 में देखें, ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, अब इसको देखें, इसको वेरीफाई करें, रूल नंबर 11 को देखें, तो ए प्लस ए बी, ए कंप्लीमेंट बी। अब यहां पे ए को हम लिख सकते हैं रूल नंबर 10 को यूज करते हुए, ए प्लस ए बी, इस ए की जगह पे, इस ए की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बी, रूल नंबर 10 को यूज करते हुए। यस सर। अच्छा, यस सर। अब इस ए की जगह पे ए डॉट ए लिख सकते हैं, रूल नंबर 7। यस सर। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट टर्म्स बनती जा रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम ए डॉट ए कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, जो कि जीरो के इक्वल होता है, यानी इसमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, पूरी टर्म्स में जीरो ऐड कर दिया जाए, तो कोई फर्क आता है? पहला, नो सर, पहले रूल के मुताबिक कोई चेंज नहीं आता। तो जीरो की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए डॉट ए कंप्लीमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म्स है ना, तो हम रूल्स में से प्रोडक्ट टर्म जीरो को रिप्लेस कर रहे हैं ए डॉट ए कंप्लीमेंट। भाई लिख सकते हैं ना जीरो को ए डॉट ए कंप्लीमेंट, रूल नंबर 8। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास फैक्टरिंग है, फैक्टर आपने निकालने हैं, तो फैक्टर आप किस तरह से निकाल सकते हैं, आपके सामने कॉमन फैक्टर आप निकाल लें। जब आपके सामने कॉमन फैक्टर होंगे तो वो कौन से होंगे, इसमें से कौन सा कॉमन है इन दो टर्म्स में से, ए कॉमन, ए कॉमन है, और इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, और बाकी यहाँ पे क्या बचता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी हम लिख देते हैं, यानी ये कॉमन फैक्टर के मुताबिक फैक्टरिंग हो गई। और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1। यस सर। रूल नंबर 6। और आपके पास जो रिमेनिंग है ए प्लस बी, वो आपका राइट हैंड साइड जनरेट हो गया, यानी जो आप वेरीफाई करना चाहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ सर अगर हम बी को कॉमन ले लें तो, हाँ जी, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे बी को कॉमन ले लें, क्योंकि बी को कॉमन ले लें, देखें बी को भी अगर आप कॉमन लेती हैं तो दूसरी तरफ आपको ए को कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो फिर आपके पास ए प्लस बी बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, ट्रुथ टेबल में वेरीफाई कर सकते हैं आप। ट्रुथ टेबल में कैसे वेरीफाई करेंगे, कितने वेरिएबल है, ए और बी, ए एंड बी है ना, दो वेरिएबल है ना, दो ही है। तो चार कॉम्बिनेशन, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब दूसरा आपको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक टर्म ए चाहिए वो मौजूद है, फिर दूसरी टर्म कौन सी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी। जब ए कॉम्प्लीमेंट बी चाहिए तो आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ नॉट गेट अप्लाई किया गया,
पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लें, फिर ए कम्प्लीमेंट डॉट बी निकाल लें, तो उसके मुताबिक आंसर जनरेट हो गया। फिर ए को ए कम्प्लीमेंट बी के साथ ऐड कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर इस तरह से जनरेट हो गया, और जो कि ए प्लस बी के इक्वल है, यानी इन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो वो दोनों कॉलम सेम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप रूल को यूज कर सकते हैं, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इस गेट को अगर आप देखें, सर्किट को देखें, तो आपके पास ए का कम्प्लीमेंट है इस और ऑपरेशन के साथ, ये और ऑपरेशन के साथ एक तो ए है, ये डायरेक्ट ए जा रहा है, लेकिन एंड गेट में ए का कम्प्लीमेंट है, ए से जो वैल्यू आ रही है उसके आगे नॉट गेट है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रिवर्स करेगा, ए को रिवर्स कर देगा। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ये यहाँ पे वन होगी, ए की वैल्यू यहाँ पे वन है तो यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, और बी की होगी क्लियर। और इस तरह से आपका आंसर जो है ए प्लस बी, यानी ए और बी, यानी और गेट है ए और बी के दरमियान, ये आउटपुट के तौर पर जनरेट होगा आपका, ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर। जी सर। यस सर। लास्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 12। मैं यहां से पहले वेरीफाई शो करवाता हूँ। ए प्लस बी, अब ये कौन सी टर्म है, सम टर्म है या प्रोडक्ट टर्म है? सम सम टर्म। फिर ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इन दोनों को क्या बना दिया, दो सम टर्म को एक प्रोडक्ट टर्म बना दिया, ऐसे ना? यस सर। यस सर। जो कि इक्वल है ए प्लस बी की, यहां देखिए ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो यहां से आंसर क्या जनरेट करेंगे आप, ए प्लस बी सी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई कर दें। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपके पास, यहां पे देखें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को अप्लाई करें, ए ए के साथ आ गया, फिर ए सी के साथ आ गया, फिर ए बी आप लिख सकते हैं या बी ए लिख दें, कॉमोटेटिव लॉ को अप्लाई करें तो आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर आपके पास बी सी, समझ आ रही है इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक, ये ए इस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, फिर ए इस सी से मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट, फिर बी ए के साथ होगा और फिर बी सी के साथ होगा, ठीक है। यस सर। अब ये आपके पास चार आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स आ गई और उनके दरमियान में और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अब ए को लिख सकते हैं, डबल ए को लिख सकते हैं, सिंपल ए, यस सर, और बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लें ए, यहाँ पे एक रूल अप्लाई कर सकते हैं आप, रूल नंबर 4, ए डॉट 1 जो कि ए के इक्वल होता है ना, यस सर, तो यहाँ पे फिर ए कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी किसके इक्वल होगा, 1 के, रूल नंबर 2, यस सर। अब यहाँ पे अगेन आप ए कॉमन ले लें, आपके पास 1 प्लस बी बनता है, तो 1 प्लस बी 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, यस सर, और ए डॉट 1 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, इसको ए लिख दिया और प्लस बी सी एज इट इज, तो यही आंसर था आपके पास, यानी आउटपुट आपका ए प्लस बी सी, यानी ये रूल है कि आपने ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो लिख सकते हैं आप ए प्लस बी सी, ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर लें। ये आपके पास कितने इनपुट थे, कितने इनपुट वेरिएबल थे यहाँ पे, ए सी, तीन इनपुट है वेरिएबल, इसका मतलब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 raised to 3, यस सर, तो 8 कॉम्बिनेशन ये बन गए, या तो तीनों जीरो या तीनों वन या तीनों जीरो वन का कॉम्बिनेशन, ऐसे ना,
यस सर। यानी जीरो, तीनों जीरो का मतलब सारी वैल्यू जीरो।